कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। एक दिन चाचा की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम कल स्कूल में एक कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं। हर किसी को अपनी पसंद की कॉस्ट्यूम पहनकर आनी है। सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम को इनाम दिया जाएगा। तो याद रहे कि आपकी कॉस्ट्यूम सबसे मजेदार हो। चाचा को डायनासोर बहुत अच्छे लगते थे, तो वो अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी में डायनासोर बनकर जाना चाहता था। मैं एक डायनासोर कॉस्ट्यूम पहनूंगा और मैं करूंगा रोर रोर। चाचा के डैड ने डायनासोर कॉस्ट्यूम ढूंढने में उसकी मदद की। मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद है डैडी, प्लीज मुझे ये दिला दीजिए। जो कॉस्ट्यूम चाचा ने पसंद की वो बहुत महंगी थी। ये कॉस्ट्यूम तो बहुत महंगा है चाचा, क्या फिर भी तुम्हें ये चाहिए? क्योंकि कॉस्ट्यूम पार्टी के बाद ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ना तो तुम इसे पहन पाओगे और ना ही फिर इससे खेल पाओगे। हाँ, आपने ठीक कहा डैडी। डैड चाचा को ऐसे ही घुमाने ले गए। उन्होंने चाचा को दिखाया कैसे चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा था। चाचा, जरा उन बिखरे डब्बे और बक्सों को देखो, लोगों ने ऐसे ही फेंक दिए हैं, जबकि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना हम इन्हें घर ले चलें और इनका इस्तेमाल डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाने में करें, जिससे काफी पैसे बचेंगे और कुदरत की भी मदद हो जाएगी। बढ़िया आइडिया है डैडी। डैड और चाचा उन कैंस और डब्बों को घर ले आए। उन्होंने उनसे डायनासोर की कॉस्ट्यूम्स बनाई। जब उनकी कॉस्ट्यूम तैयार हो गई, चाचा ने देखा कि वो उससे भी अच्छी लग रही थी जो वो पहले खरीदना चाहता था। हुर्रे! ये कॉस्ट्यूम तो उससे भी अच्छी है जो मैं पहले लेना चाहता था। मैं इसे पहनकर रोर करता हूँ, रोर! अगले दिन चाचा डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल गया, जहाँ सभी बच्चों ने उसकी तारीफ की। वाव, तुम्हारे डायनासोर की कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया है चाचा। तुम तो एक असली डायनासोर लग रहे हो, है ना? रोर! मिस डॉर्थी ने चाचा और सभी बच्चों को स्टेज पर आने को कहा। बच्चों, अपनी अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में सबको बताएं। जब चाचा की बारी आई तो उसने सबको अपनी डायनासोर कॉस्ट्यूम के बारे में बताया। कैसे हो सब? मैं एक रिसाइकल डायनासोर हूँ। मेरे डैडी और मैंने इसे पुराने कैंस और डब्बों से बनाया है। हमने रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल किया है ताकि हम कोई चीज खराब ना करें या प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम सब चीजों को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम पेड़ों को बचाकर वातावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। सब लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि चाचा और डैड ने कैसे वो डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाई थी। मिस डॉर्थी ने सबको चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाने को कहा। चलिए सब चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बने और उन्हीं की तरह अगली बार रिसाइकल्ड कॉस्ट्यूम्स बना सकें। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपने पैसे बचाएंगे बल्कि प्रकृति को भी बचा सकेंगे।
जल्द ही विजेता का नाम घोषित करने का समय आ गया और बेस्ट कॉस्ट्यूम का इनाम जाता है चाचा और उसके रिसाइकल्ड डायनासोर को। चाचा बहुत खुश था कि उसने इनाम जीत लिया। रिसाइकल करो और दोबारा इस्तेमाल करो। रोर! जो भी आप कर सकते हैं जिससे हमारा प्लैनेट और वातावरण बचाया जा सके। चाचा के पापा के पास एक बक्सा था जिसमें बहुत सारे औजार थे। उन औजारों से कुछ भी ठीक किया जा सकता था और इसीलिए चाचा उसे पापा का जादू का पिटारा बोलता था। ये है पापा का जादू का पिटारा। एक दिन दादाजी का चश्मा टूट गया। ओहो। फिक्र मत करिए दादाजी, पापा इसे अपने जादू के पिटारे से जल्दी ठीक कर देंगे। चाचा के पापा ने अपना जादू का पिटारा खोला और उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था पेचकस। उसकी मदद से उन्होंने चश्मे को जल्दी से ठीक कर दिया। हुर्रे पापा के लिए! हुर्रे पापा के जादुई पिटारे के लिए! थोड़ी ही देर बाद रसोई के सिंक से पानी टपकने लगा। ओह नहीं, ये सिंक तो टपक रहा है, साथ ही पानी भी बर्बाद हो रहा है। फिक्र मत कीजिए माँ, मैं पापा को बुलाता हूँ, वो अपने जादू का पिटारा ले आएंगे। चाचा के पापा ने अपना जादू का पिटारा खोला। उन्होंने उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था रिंच और कुछ ही देर में उन्होंने सिंक से पानी टपकना रोक दिया। हुर्रे! पापा ने टपकते सिंक को अपने जादुई पिटारे से ठीक कर दिया। जूजू ने एक बहुत ही प्यारी चित्रकारी की है और वो उसे दीवार पे टांगना चाहती है। चाचा, मैं इस चित्र को टांगना चाहती हूँ। पापा तुम्हारी मदद करेंगे चूचू, अपने जादू के पिटारे से। तो चूचू और चाचा के पापा उसकी मदद करने आए और साथ ही जादू का पिटारा भी लाए। उन्होंने उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था ड्रिल और उसकी मदद से उन्होंने दीवार में एक छेद कर दिया। फिर उन्होंने उसमें एक कील ठोक दी। अब तुम अपनी तस्वीर टांग सकती हो चूचू। धन्यवाद पापा। हुर्रे पापा के लिए! मैं पापा के जैसे बनना चाहता हूँ और जादुई पिटारे से सबकी मदद करना चाहता हूँ। चाचा को अपने पिता पर गर्व महसूस हुआ। उसने चाहा कि वो उनके जैसा बन जाए और एक दिन उसे उनके जैसा बनने का मौका भी मिल गया। चाचा की दादी कुछ सिल रही थी कि तभी अचानक उनकी सुई गिर गई। ओह बेटा,
मुझसे मेरी सुई नीचे गिर गई। अब वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। फिक्र मत कीजिए दादी माँ, मैं आपकी मदद करूँगा। चाचा भागकर अपने पापा के पास गया। पापा, क्या मैं आपके जादू का पिटारा ले सकता हूँ? क्योंकि मैं दादी की सुई ढूंढना चाहता हूँ। जरूर चाचा। चाचा ने जादू का पिटारा खोला। उसने उसमें से एक टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। कुछ ही देर में टॉर्च की रोशनी में उसे सुई दिख गई। ये रही। फिर चाचा ने उसमें से एक औजार निकाला जिसका नाम था चुंबक। उसकी मदद से उसने सुई को उठा लिया। धन्यवाद चाचा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने आज बिल्कुल अपने पापा की तरह काम किया। चाचा को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। आखिरकार उसको भी जादू का पिटारा इस्तेमाल करने का मौका मिला और बिल्कुल अपने पापा की तरह बनने का भी।